नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार ने 20 फरवरी को मतदान अपने पक्ष में करने की अपील की। साथ में मऊरानीपुर नगर की जनता ने जनसंपर्क के दौरान फूल माला एवं मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। नमस्कार, मैं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। मऊरानीपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार ने मऊरानीपुर नगर के मोहल्ला पुरानी मऊ से लेकर पूरे बाजार में समर्थकों के साथ जाकर जनसंपर्क कर साइकिल के बटन को दबाकर अखिलेश सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर व लोगों का समर्थन मिल रहा है, वैसे ही भाजपा अब घबराई हुई नजर आने लगी है, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि अब प्रदेश के लोग उनकी झूठी बातों में, झूठे जुमलों में नहीं आने वाले और अब भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। इसलिए अब हर विधानसभा में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता पहुंचकर जनसभाओं को कर लोगों को पार्टी विधायक या भाजपा शासन में हुई गलतियों की माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता भाजपा के नेताओं को सुनना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं कर रही। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप सभी जैसे अभी समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट हैं, उसी तरह 20 फरवरी को एकजुट होकर घर घर लोगों को निकालकर साइकिल वाले बटन को दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अखिलेश सिंह यादव को समर्थन एवं वोट दें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार के साथ नगर व क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मऊरानीपुर से संवाददाता भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और क्या कहेंगे आप इस चुनाव में? नहीं, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का माहौल है, बुंदेलखंड में भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है, और अगर मऊरानीपुर की अगर बात करें हम तो मऊरानीपुर में तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं मैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मऊरानीपुर की जनता अब चुनाव लड़ रही है। अब पूरा चुनाव जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। अब मऊरानीपुर का बच्चा बच्चा हमारे लिए काम कर रहा है और बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है और बड़े बड़े लीड के साथ हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि जब जनता मन बना लेती है और हर वर्ग की जनता जब मन बना लेती है तो फिर चुनाव बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लड़ाई अब हमारी बहुत मजबूत हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि 80-20 का अंतर है। मऊरानीपुर विधानसभा की जनता अगर आप पर भरोसा करके आपको विधायक बनाती है तो क्या आप उस पर कितना खरा उतरने का काम करेंगे? मैं देखिए, मेरा जो 34 साल का राजनीतिक जीवन है तो पूरा का पूरा सब खुला हुआ है, बिल्कुल मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, आचरण उच्चारण में पूरी तरह साम्य है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैंने पूरे 34 साल के जीवन में मेरे पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, एक FIR तक नहीं है, और पूरा जो भी मेरे पास जो भी संसाधन आए, जो भी चीज़ें आई, तो मैंने लोगों के लिए काम किया, लोगों को दिया है। और मैं मऊरानीपुर की जनता से बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मैं विश्वासघात नहीं करूँगा, उनके साथ धोखा नहीं करूँगा, ठगी नहीं करूँगा, और साथ में उनके मान सम्मान की पूरी सुरक्षा संरक्षण की गारंटी भी दूंगा, और साथ में अगर उनको कोई तकलीफ होती तो उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा, और मऊरानीपुर के विकास के लिए जो भी संभव हो सकता है, जो यहाँ के जनता की मांग है, जैसे ज़िला बनाने की मांग है, तो उसको पूरा करने का काम करूँगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी तरफ से एक मेडिकल कॉलेज चाहता हूँ कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान भी हो और खेल अकेडमी भी हो, कोई ऐसा खेल का एकेडमी हो जाए जिससे बच्चे जो है खेल में भी, यहाँ भी प्रतिभाएं हैं, गांव-गांव में प्रतिभाएं हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ के कुछ गांव में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, तो सब प्रतिभाओं को उभारने के लिए खेल एकेडमी भी निकाली बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो रानीपुर का जो उद्योग है जो पूरी तरह से चरमरा गया है, बुनकर जो है भुखमरी के कगार पर हैं, पलायन कर गए हैं, उन सबको हम वापस लाने काम करेंगे, उस उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे, और सुखनई नदी जो बहुत विस्तार लिए थी और जो आज गंदी हो गई है, नाले के रूप में परिवर्तित हो गए, उसको हम विस्तार भी देंगे, उसको साफ भी करेंगे। इसी तरह के और बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे सड़कों का मामला है, जैसे कहीं